गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स कि आप कहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके घर में बहुत ज्यादा शोर होता है और आप घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो आप देख रहे होंगे कि मैं छत पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा शोर होता है जब भी मैं नीचे बैठ के वीडियो बनाती हूँ। तो यही सेम आप लोग भी फॉलो कर सकते हो कि अगर आप लोग नीचे पढ़ते हो, अगर सब लोग शोर करते हैं, तो आप लोग अकेले में आके पढ़ाई करने की सोचो। आप लोग छत पर भी आ सकते हो, और अगर छत नहीं है आपके पास तो आप लोग अपने घर के बाहर चले जाओ, वहाँ थोड़ी आपको स्पेस मिलेगी, तो वहाँ आप चेयर डाल के पढ़ सकते हो। और या तो अपने एक दो फ्रेंड्स को बुला लो, साथ में स्टडी कर लो, ग्रुप स्टडी, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अकेले जगह ढूंढो और जहाँ कोई भी ना हो वहाँ पढ़ो। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ मन नहीं लग रहा या जगह नहीं मिल रही है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से स्टडी करो कि सब कुछ हो जाए। लीड वगैरह लगा लो, जिससे कि लोगों की बात ज़्यादा सुनाई ना दे। ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो एक दो महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप बहुत सारी बातें कर लेना, जब रिजल्ट आ जाएगा आपका, जब एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे, और बहुत सारी टीवी भी देख लेना। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो टीवी चलाते हैं, तो आप लोग एक साइड आके बैठ जाओ, छत पर आ जाओ, बाहर चले जाओ, किसी फ्रेंड के घर पे चले जाओ जहाँ पे शांति रहती है, वहाँ पे पढ़ाई करो। क्योंकि जब हम शांति से पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई में।